हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, हाइडिंग वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था फंक्शन की ओवरलोडिंग किस तरह से की जाती है, और हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं उसमें हम लोगों ने क्या किया था। तो ये प्रोग्राम है हमारे पास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे एक क्लास बनाई, दो क्लास बनाई थी, एक के अंदर ये रखा था, दूसरी क्लास के अंदर ये रखा था। अब समझते हैं कि ये किस तरह से बने होंगे। क्लासेस का मतलब क्या है, ये मैंने तो आप लोगों को बताया ही है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लेते हैं टीचर नाम, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ यहाँ पे इस समय टीचर, और A1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इस समय और उसका नाम A1 रखा है। अच्छा, ये A1 लिखने से किस तरह का ब्लॉक बना, आइए समझते हैं उसे। तो जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया A1, इसका ये मतलब है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर टीचर नाम के सारे मेंबर्स आ चुके होंगे। क्या क्या है इसमें, हेलो नाम का एक फंक्शन है वो आ चुका होगा। और लेकिन ये लिखा है कि स्टूडेंट जो है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इस स्टूडेंट क्लास के भी सारे मेंबर्स इसमें आ गए होंगे। अच्छा, बना के देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना होगा जो टीच स्टूडेंट नाम का ब्लॉक है, उसके अंदर एक मेंबर था वो आ चुका होगा, हेलो नाम का एक फंक्शन था। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन जो है वो कहाँ पे है, वो इस टीचर नाम की क्लास के अंदर है वो। हाँ, पहले फंक्शन का क्या नाम है, वो नाम भी लगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पहले फंक्शन का नाम है हमारे हेलो। क्या वो कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये पहला फंक्शन है। और जो, हाँ, वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक एक्स ले रहा है एक वाई ले रहा है। मैं जस्ट यहाँ पे एक्स वाई लिख रहा हूँ अभी। और जो दूसरा फंक्शन है वो है हेलो, जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, हाँ ये ले रहा है, ये भी एक ले रहा है, के ले रहा है। इस तरह से ये दो ब्लॉक्स बन चुके हैं यहाँ पे A1। ये ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया तो इस तरह का ब्लॉक बन चुका है। अच्छा, अब मैं अगर कॉल करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ A1 ने कॉल किया, A1 डॉट लगा के। अगर आप इस हेलो फंक्शन को कॉल करोगे तो भी गलत है, क्योंकि रूल ये है कि हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते दो अलग अलग क्लास के बीच में। हाँ, लेकिन इसे फंक्शन हाइडिंग की तरह देखा जा सकता है। हाँ, अगर आप चाहो तो इस फंक्शन को, अगर आपको कॉल करना है तो आप कुछ पैरामीटर पास कर सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 7। हाँ, अब ये चलेगा। इससे क्या हो रहा है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, कंपाइलर जब a1.hello कॉल करने की कोशिश करेगा, एक आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो ये वाला पोर्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और के प्रिंट हो जाएगा। लगे तो मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने यहाँ पे कंपाइल, अच्छा यहाँ पे मैंने पब्लिक नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे पब्लिक भी लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि ये पब्लिक मेंबर माना जाना चाहिए, इसके लिए मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा। और मैं इसे रन करता हूँ, आप लोग देख सकते हो 7 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही सोचूं कि मैं एक्स और वाई यहाँ पे कुछ पास करने की कोशिश करूं, 7 और 8, अब क्या होगा? आप लोग सोच रहे होगे ये वाला कॉल होगा, नहीं होने वाला। क्योंकि होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो आप A1 का, A1 कौन से टाइप का है, A1 ये जो ब्लॉक है टीचर टाइप का है, तो ये टीचर क्लास के अंदर ही आएगा। टीचर क्लास के अंदर आने के बाद वो देखेगा कि मुझे क्या करना है, हेलो नाम के फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन वो तो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यहाँ पे तो दो पास किए जा रहे हैं, तो वो नहीं करने वाला। लगे तो मैं एक बार और बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग एरर आ रही है। हाँ, इसे ही कहा जाता है फंक्शन हाइडिंग, मतलब मैंने इस फंक्शन को हाइड कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइडिंग। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस फंक्शन को हाइड कर सकते हो उसकी ओवरलोडिंग करके। अगर आप एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बना रहे हो, दूसरे क्लास के अंदर दूसरा फंक्शन बना रहे हो, आप कर सकते हो। लेकिन आप बस इसे ही कॉल कर सकते हो, इस ऊपर वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आप उसे कॉल कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ A2, तब जाके मैं A2.hello लिख के कॉल कर सकता हूँ उसे। मैं अगर अब रन करने की कोशिश करूं तो कर सकता हूं, क्योंकि मैं A2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, 7 और 8 देख सकते हो आप लोग प्रिंट हो रहा है। लेकिन A1 की मदद से नहीं कर सकता, मतलब ये वाला ब्लॉक एक्सेसिबल नहीं है, ये वाला ब्लॉक हाइड हो चुका है, मतलब ये वाला ब्लॉक जो है हाइड हो चुका है, क्योंकि दोनों के नाम अलग है। दोनों के नाम अगर सेम होते, अगर मैं यहां पर नाम सेम कर दूं दोनों के, और आर्ग्यूमेंट्स भी सेम कर दूं, देखो मैंने दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम कर दिए और एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। अब कंपाइलर कंफ्यूज है कि इस वाले पोर्शन को चलाऊं या इस वाले पोर्शन को चलाऊं, दोनों के तो नाम सेम है इस समय,
क्योंकि यहाँ पे भी हेलो है, मतलब यहाँ पे अब वाई नहीं रह गया, मतलब यहाँ से इस समय वाई चला गया है, यहाँ पे ये वाई नहीं है, सिर्फ एक्स है और यहाँ पे के है। तो कंपाइलर ये सोच रहा है कि एक्स को कॉल करूँ या के को कॉल करूँ, दोनों तो सेम है, एक ही आर्ग्यूमेंट मुझे पास करना है सेवन, तो सेवन तो एक्स में भी जा सकता है, सेवन तो के में भी जा सकता है, तो मैं किसे कॉल करूँ। ऐसे टाइम पे वो डिसाइड करता है कि मुझे किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, मुझे तो ए वन ने कॉल किया, इसका मतलब मुझे टीचर नाम की जो क्लास है उसने कॉल किया, तो मैं टीचर वाले हेलो को कॉल करूँगा, तो वो इसे कॉल करता है। इसे बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग, पहले वो इसे बाइंड कर रहा है, इसे नहीं कर रहा है, लेट बाइंडिंग, ये लेट बाइंडिंग होगी जब इसे बाद में कॉल करेगा, वो सिर्फ अर्ली बाइंडिंग कर रहा है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ये ओवरराइडिंग की कंसेप्ट है, लगे तो इसे मैं अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो, आप लोग चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।